लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। मार्च महीने के अंत में प्रदेश के भोपाल और इंदौर में होने जा रहे आईफा अवार्ड्स को लेकर भी अब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। बुधवार को शिवराज सरकार में मंत्री रहे नरोत्तम मिश्रा ने प्रदेश की कमलनाथ सरकार से युवाओं को आईफा का टिकट खरीदने के लिए युवाओं को लोन दिलाने की मांग की है। चर्चा करते हुए नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि आईफा की इतनी महंगी टिकट खरीदना आम आदमी के बस में नहीं, इसलिए सरकार को स्वाभिमान योजना के तहत युवाओं को लोन देना चाहिए। वहीं मंदिर की खाली जमीन बेचने के मामले में भी नरोत्तम मिश्रा ने कटाक्ष करते हुए कहा कि सरकार मंदिर की जमीन बेचकर आईफा कराने की योजना बना रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को इसके दुष्परिणामों का ज्ञान नहीं है। उन्होंने कहा कि मठ मंदिरों पर होटल बनाकर धार्मिक स्थान की पवित्रता को खत्म करने की प्रत्यक्ष कोशिश की जा रही है। मिश्रा ने कहा कि जिस दिन उस 5-स्टार होटल में सुंदरकांड का पाठ कराया था, मैं समझ गया था कि कोई ना कोई तुषाराघात होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति में बहुत तेजी से सुधार है, आने वाले दिनों में और सुधार होगा और हम सरकार बनाएंगे। कांग्रेस अभी से उपचुनाव की तैयारियों में लग गई। कांग्रेस दिल्ली में दिल्ली और देश के अंदर कांग्रेस की बड़ी हास्यास्पद स्थिति बनने वाली है। अभी आपने जितने चुनाव हुए महाराष्ट्र में, जहां वो कभी सरकार में रहती थी, आज चौथे नंबर की पार्टी है। झारखंड में कभी वो सरकार में रहती थी, आज वो तीसरे चौथे नंबर की पार्टी है। और दिल्ली में भी वो चौथे या तीसरे नंबर की पार्टी होगी, नहीं तो मेरा जरूर इंटरव्यू लेना आप, अगर नहीं निकले मेरी बात सही तो शायद एक आध दो सीट जीत जाए। नहीं देखिए, आम लोगों के लिए तो है ही नहीं ये, इतना महंगा टिकट है कि ये धनाढ्य और सनमन लोगों के लिए है, ये कोई गरीब के लिए नहीं है। कारपोरेट कल्चर का व्यक्ति जब मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना, एक उद्योगपति मुख्यमंत्री बना, ये बात तो तभी समझ में आ गई थी कि मध्य प्रदेश किस दिशा में जाने वाला है। और उसकी परिणति साल भर के अंदर हम सबके सामने आ गई, आईफा अवार्ड के लिए, आईटी के कार्यक्रम के लिए, सारे हीरो हीरोइनें आने वाले हैं यहाँ पे, और कोई आने वाला है ही नहीं। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।